हेलो, आवाज आ रही है सभी को? हेलो, ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने पजांस रूल वगैरह कराया था। नाउ आगे हम लेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट उससे पहले हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मल चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, वो ले लेते हैं, देन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, फॉर्मल चार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि इसको यूज करके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो यूजिंग फॉर्मल चार्ज कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड can be converted into pure covalent bond। ठीक है, फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट यूज करके जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव चार्ज ले आओ, और जो शेयर कर रहा है उस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो एटम एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन विल गेन नेगेटिव चार्ज
वाइल द अदर पार्टिसिपेटिंग एटम विल गेन पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उस पर क्या लेके आओगे, नेगेटिव चार्ज, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, जैसे देखो, नो नो एलिशा, दिस इज न्यू टॉपिक, फॉर्मल चार्ज इज नेक्स्ट टॉपिक. तो जैसे हमारे पास CO का स्ट्रक्चर याद है, तो CO में हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था कार्बन मोनोक्साइड का, तो उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड आया था. नो प्रियस आयनिक नहीं होगा, स्टिल इट इज कोवेलेंट, बट क्या है कि दोनों पर कुछ चार्ज लेके आ जाएंगे. ठीक है, तो हमारे पास ऐसा था CO का स्ट्रक्चर, याद आया. तो अब देखो, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड लेके आ सकते. ठीक है, तो दोनों के बीच में रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड ही, बट दोनों पे चार्ज आ जाएगा. तो देखो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया. इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन है, कार्बन ना, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है मतलब दूसरा जो एटम है उस पे पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो दैट्स इट. तो CO जो है उसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया है, एंड जब ऐसा किया है तो दोनों आइटम पे कुछ चार्ज आ जाएगा, और वो चार्ज जो है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, फॉर्मल चार्ज. दैट आयनिक नहीं होगा भाई, आयनिक में बॉन्ड होता है क्या दोनों के बीच में, कभी आयनिक बॉन्ड को ऐसा दिखाते हैं हम, आयनिक बॉन्ड तो क्या है, दो आइटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ऐसे हम लाइन से थोड़ी दिखाते हैं, दोनों के ऊपर आयंस आए हैं. ठीक है जी, दोनों के ऊपर चार्ज आया, दैट चार्ज इज फॉर्मल चार्ज. दैट्स कुछ नहीं हुआ, बस वो जो इलेक्ट्रॉन था ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हमने प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया. तो ऐसा जब किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज ले लिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया. ठीक है, तो इट इज नॉट आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, और उस कैटायन और एनायन के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है, दैट इज आयनिक बॉन्ड. बट यहां पर ऐसा नहीं है, अभी भी स्टिल दोनों के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड ही है. देखो ये तीन बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट ही तो है, आयनिक थोड़ी है. यार हर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में होता है उसमें आयनिक करेक्टर आता ही है. दस कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो अगर वो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम्स के बीच में है तो उसमें आयनिक करेक्टर तो वैसे ही आता है. लिख लिया सबने, तो फॉर्मल चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ये आयनिक बॉन्ड में नहीं आता, ये कोवेलेंट बॉन्ड वाले स्ट्रक्चर्स में ही आता है, और वो भी कब, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो तब इसका मेनली यूज है. ओके, सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा था उस पर नेगेटिव चार्ज डाल देंगे, और जो शेयर कर रहा था उस पर पॉजिटिव चार्ज डाल देंगे. ठीक है, नाउ इसी टाइप से देखो और भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एग्जांपल ले लेते हैं. याद है हमने लिया था एक SNO3 वाला, SNO3 वाले में क्या था,
ऐसा था ना, तो अब ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको हम प्योर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन जब ऐसा करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है इस पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन डबल बॉन्ड ओ ओ एच एंड ये आ गया और इस पे नेगेटिव और दूसरे वाले पे पॉजिटिव, ठीक है। इसी टाइप से हाँ दक्ष बोलो सर। सर दिस इज जस्ट अ वे ऑफ राइटिंग नो लाइक रिप्रेजेंटेशन। हाँ 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 बिल्कुल, ये मतलब ये हमारे पास आई थॉट इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, इस स्ट्रक्चर को बनाने का एक और तरीका है, ठीक है, जिसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो नहीं लेके आ रहे हैं। विदाउट ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम यहाँ पर क्या स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ओके। नाउ सिमिलरली ओजोन का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसे था। नाउ ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, प्योर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसा कर दिया तो जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो किसकी साइड है, इस वाले ऑक्सीजन की साइड है, तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उस पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे वाले पे पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो बेसिकली जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनको बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के भी ऐसे बनाया जा सकता है, जब ऐसा करेंगे तो फॉर्मल चार्ज यूज कर लेंगे। प्राकृत इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज और गेन नहीं हो रहे हैं भाई, यहाँ पर मतलब आयनिक बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर क्या है, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना उसको हमने कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया है, और जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया तो ये और एक तरीका आ सकता है हमारे पास सेम स्ट्रक्चर बनाने का जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं बना है, हो गया सबका। सिमिलरली हमारे पास एक दो और मॉलिक्यूल हमने बनाए थे कोऑर्डिनेट वाले, जैसे मान लो हम बात करेंगे NH4 पॉजिटिव की, याद है NH4 पॉजिटिव में कैसा था, इस टाइप से था ना। तो NH4 पॉजिटिव की दूसरी क्या पॉसिबल स्ट्रक्चर हो सकती है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, जब इस पे नेगेटिव आएगा तो देखो ऑलरेडी पॉजिटिव तो है, नेगेटिव आएगा तो जीरो चार्ज हो गया, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्योर कोऑर्डिनेट सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्योर कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस किया तो इस पे नेगेटिव चार्ज आया, पॉजिटिव ऑलरेडी था इसलिए चार्ज जीरो हो गया, मतलब चार्ज नहीं लिखेंगे, लेकिन इस वाले पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो देखो NH4 पॉजिटिव को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ओके। NH4 पॉजिटिव जो है उसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट। ये
कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा के और ये बिना कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सिमिलरली NH3BF3 वाला भी देख लो, NH3BF3 वाला भी बना सकते हैं वैसे ही। तो NH3BF3 में क्या है, अपने पास N H H H एंड B F F और S ऐसा था। तो यहां पर भी क्या है, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है उसको क्या कर सकते हैं, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और बोरोन पर आएगा पॉजिटिव, सॉरी बोरोन पर आएगा नेगेटिव और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव, ठीक है। मीन्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, उल्टा लिख दिया। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है उस पर नेगेटिव और दूसरे वाले पर पॉजिटिव। दैट्स यार, हाइड्रोजन पे पहले ही पॉजिटिव चार्ज था ना, तो नेगेटिव चार्ज और आया तो क्या हो गया, जीरो चार्ज हो गया ना। हाइड्रोजन पे पहले क्या था, एच पॉजिटिव था, फिर क्या था, प्लस वन ऑलरेडी था, माइनस वन और आएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो चार्ज हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर हमने बनाए जब हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को प्योर कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस किया है। तो बाकी जो हमारे पास पार्टिसिपेटिंग एटम थे कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले, उनपे चार्ज आ गए। हो गया सबका। नाउ हम नेक्स्ट चलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर, और उसमें हम देखेंगे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो कैसे कोवेलेंट बॉन्ड को बनाता है, ठीक है, या कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो अभी हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लेने वाले हैं जो कि होता है कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, BBTB से हम बोल सकते हैं। तो देखो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है कि हमारे पास किसी एटम का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो ऑर्बिटल दूसरे एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से ओवरलैप करता है। तो बेसिकली इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो एटम जिनके वैलेंस शेल के ऑर्बिटल जो हैं, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, मतलब हमारे पास दो एटम है, दोनों एटम का एक एक ऑर्बिटल हम कोई लें और उन दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो ऑर्बिटल जो है वो ओवरलैप करेंगे और उस ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बनेगा।
ठीक है। तो वीबीटी जो है ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बॉन्ड बनना बताता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वीबीटी बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। और ये जो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल है ये ऐसे ऑर्बिटल का ही होता है जिनमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। ओके, सो अकॉर्डिंग टू वीबीटी द आउटरमोस्ट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप विथ overlap with the outermost orbital of other atom to form to pair इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप किए तो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर्ड हो गए, टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स या टू पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इट रिजल्ट्स into covalent bond formation, ठीक है। तो इसकी वजह से covalent bond जो है वो बन जाए, हमारे पास एक एटम का outermost shell का orbital दूसरे एटम के outermost shell के orbital से overlap करेगा और obviously दोनों orbital में क्या होने चाहिए, unpaired electron होने चाहिए। तो ऐसा होने पर जब उनका ओवरलैपिंग होगा तो ऐसा होने पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर्ड हो जाएंगे और हमारे पास नया बॉन्ड बन जाएगा यस सिद्धार्थ। अनपेयर्ड ऑर्बिट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब एक जो हमारे पास ऑर्बिटल है उसमें दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, बट एक्चुअली इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अनपेड का मतलब क्या है कि ऑर्बिटल में वैसे तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बट उस आउटरमोस्ट वाले ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो ओवरलैप करने वाला है। यस सिद्धार्थ, दिस इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवेलेंट वाला ही होता है। सानिका वन मिनट जल्दी लिखो, सानिका राकेश, हम ऑर्बिट की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल, ऑर्बिटल, ओके। ऑर्बिट और ऑर्बिटल दोनों डिफरेंट हैं राकेश। हम वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट ऑर्बिट जो है उसके ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ऑर्बिट में तो कितने भी हो सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट ऑर्बिटल जो कि ओवरलैप करने वाला है उस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है।
सिद्धार्थ वेट करो, हम एग्जांपल लेके बताएंगे, टेंशन ना लो, एग्जांपल लेंगे आगे का। देख लिया सबने? ओके, तो आगे चलते हैं। तो अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ले लेते हैं वीबीटी के, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले लेते हैं। तो सेलियंट फीचर ऑफ वीबीटी, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वीबीटी के, वो ले लेते हैं। तो ये जो ओवरलैप है ऑर्बिटल का, दो टाइप का होगा, द ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल कैन बी हैड ऑन, जिसे हम एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो हेड ऑन ओवरलैप हो सकता है या फिर लेटरल ओवरलैप हो सकता है। तो हेड ऑन ओवरलैप भी पॉसिबल है और लेटरल ओवरलैप भी पॉसिबल। हेड ऑन मतलब देखो, जैसे ये और ये आपस में ऐसे ओवरलैप करेंगे तो हेड ऑन हो गया, लेकिन ऐसे अगर इन्होंने ओवरलैप किया तो ये क्या हो गया, लेटरल हो गया, ठीक है। इस टाइप से अगर ये ओवरलैप करेंगे तो एक्सियल ओवरलैप या हेड ऑन ओवरलैप हो गया, लेकिन अगर ओवरलैप ऐसे करेंगे तो क्या आएगा, ये लैटरल ओवरलैप आएगा। आगे और भी हम जब कुछ एग्जांपल लेंगे अलग अलग ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग के, तो वहां पर और समझ में आएगा। जस्ट अभी ये देखो कि हमारे पास जो ओवरलैप है वो दो टाइप का होगा, एक हेड ऑन और दूसरा लैटरल, ठीक है। देन इसको चलो एक मैं एग्जांपल से, मैं वैसे मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, हमारे पास देखो हाथ मिलाते हैं, जब हम हाथ मिलाते हैं तो हेड ऑन ओवरलैप होता है, ओके। एक तरह से मतलब ये हमारे पास एक उंगली है, उंगली क्या ये देखो, ये हमने, ठीक है, ये जो ऐसे इधर से एक बंदा आया और इधर से एक बंदा आया, ठीक है, तो ऐसे आके ओवरलैप जो हो रहा है, ये हेड ऑन ओवरलैप है। ये कैसा ओवरलैप है, हेड ऑन ओवरलैप है। लेकिन अगर ओवरलैप थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो, ठीक है, अभी आपस में ऐसे एक दूसरे पर ओवरलैप कर ले तो ये कैसा होगा, लैटरल ओवरलैप होगा, ओके। तो आमने सामने से जो ओवरलैप होगा वो कौन सा होगा, हेड ऑन होगा, और साइड से ऐसे जो ओवरलैप होगा वो कौन सा होगा, लेटरल होगा। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लाइक ए हाई फाइव, ठीक है, हैंडशेक कर रहे हो तो बेसिकली वो हेड ऑन हो गया, और हाई फाइव दे रहे हो या क्लैप कर रहे हो तो वो क्या हो गया, लेटरल हो गया, ओके। बट उसमें भी हाई फायर क्लैपिंग में भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब हमारे पास अभी क्या है कि यार इसको थोड़ा ऐसे सोचो, वैसे एग्जांपल भी लेने वाले और क्लियर हो जाएगा। जैसे ये वाला जो है ना, जब इससे ओवरलैप करेगा तो कैसे होगा, ये पूरी तरह ओवरलैप नहीं होगा, कुछ इस टाइप से ओवरलैप होगा, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं ना क्लैपिंग की उसकी, तो वो पूरी तरह ओवरलैप नहीं, मतलब एक अपना हाथ इधर है दूसरा हाथ इधर है, तो ये हाथ पूरी तरह आके इसको ओवरलैप नहीं हुआ, थोड़ा सा ऐसे इस टाइप से रहा, ठीक है, थोड़ा सा ओवरलैप हुआ, पूरा ओवरलैप नहीं होगा, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर आ जाएगा लेकिन पूरी तरह नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा। वो आगे अभी और एग्जांपल लेके हम बताएंगे, टेंशन ना लो, ठीक है, ऑर्बिटल का भी ओवरलैप कराएंगे तब और बताएंगे। तो हमारे पास अभी ये देखो कि ओवरलैप दो टाइप के होंगे, एक हेड ऑन होगा दूसरा लेटरल होगा। इसके अलावा वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल हैं
वो ही ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे या बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। सो ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल बोल रहे हैं, टेक्स पार्ट इन ओवरलैपिंग, मतलब बॉन्डिंग, ठीक है, दैट इज बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जो वैलेंस सेल के ऑर्बिटल है उन्हीं की वजह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ओके। वैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल है उनका ओवरलैपिंग होगा और उन्हीं की वजह से बॉन्ड फॉर्म होगा। इसके अलावा मैंने बोला ही था कि यार ऑर्बिटल में क्या होना चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो द ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑर्बिटल्स में क्या होने चाहिए, अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके अलावा अभी ऑर्बिटल्स का जो ओरिएंटेशन है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी बेसिस पर हम यहां पर ओवरलैपिंग की बात करेंगे। तो द ओरिएंटेशन यस सिद्धार्थ, द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। उनका डायरेक्शन किधर साइड है, हमारे पास मतलब पी एक्स वाला ऑर्बिटल आ रहा है, पी वाई वाला आ रहा है, पी जेड वाला आ रहा है, वो सब भी थोड़ा क्या है, इंपॉर्टेंट रखेगा, ओके। सो ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, ओरिएंटेशन मतलब कि कौन सा वाला ऑर्बिटल आ रहा है, पी एक्स आ रहा है, पी वाई आ रहा है, पी जेड आ रहा है, ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरलैपिंग हमारे पास चेंज हो जाएगी अगर पी एक्स पी वाई पी जेड में से कोई अलग अलग आए तो। देखो फिर आगे चलेंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या वीबीटी के। हो गया सबका, तो यहां पर एक्चुअली दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, तो दो टाइप के बॉन्ड बनते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड होता है एक, तो ये कौन सा है, दिस इज सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से बनेगा, ओके। तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू हेड ऑन ओवरलैपिंग इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। एंड लेटरल ओवरलैपिंग जो है उसकी वजह से पाई बॉन्ड बनेगा, दिस इज पाई
तो ये किसके वजह से बनेगा? लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से. तो बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू लेटरल ओवरलैपिंग इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. ओके, हेड ऑन ओवरलैपिंग जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, लेटरल ओवरलैपिंग जो है वो पाई बॉन्ड बनाता है. यस, दैट दीज आर टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास दो टाइप से आएंगे, एक सिग्मा वाला आएगा, एक पाई वाला आएगा. हो गया सबका? ना, हमारे पास ये जो ओवरलैप है, ऑब्वियसली हेड ऑन वो तो है. अर्नव लिखो जल्दी. करना हुआ ओके. नाउ हमारे पास जो ओवरलैप है इसके भी मतलब हेड ऑन और लेटरल तो ही टाइप, बट अलग अलग टाइप का हमारे पास रहेगा. तो हेड ऑन और ओवरलैप भी अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. तो टाइप ऑफ ओवरलैप, नेक्स्ट हेडिंग डालो टाइप ऑफ ओवरलैप. तो एक ऐसा ओवरलैप, जैसे मैंने बताया था कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो एक ओवरलैप अपने पास ऐसा है जिसकी वजह से बॉन्ड बनेगा, जिसे हम बॉन्डिंग ओवरलैप बोलेंगे. तो इट इज बॉन्डिंग ओवरलैप. बॉन्डिंग ओवरलैप में एक ऑब्वियसली हेड ऑन हो सकता है, दूसरा लेटरल वाला हो सकता है. तो बॉन्डिंग ओवरलैप जो है इसकी वजह से ही बॉन्ड बनेगा. मृदुल जल्दी लिखो. तो हमारे पास
बॉन्डिंग ओवरलैप जो है इसकी वजह से हमारे पास बॉन्ड बनता है, और ये दो, ये ओवरलैप ऑब्वियसली दो टाइप के होंगे, एक सिग्मा एक पाए, मतलब एक हेड ऑन वाला और एक लैटरल वाला। प्रकृत ओवरलैप जो है हेड ऑन और लेटरल है, हेड ऑन की वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है और लेटरल की वजह से पाई बॉन्ड। ओके, सिग्मा एंड पाई आर बॉन्ड, सिग्मा और पाई जो है वो बॉन्ड है। ओके, तो हमने क्या बोला कि बॉन्डिंग ओवरलैप की वजह से बॉन्ड बनेगा। देखो क्या है, अपने पास ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, ठीक है, ये सब जो है, ये ऑर्बिटल का कुछ वेव फंक्शन था कि नहीं था, याद है? एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होता है, पी का वेव फंक्शन होता है ना, तो वेव फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एंड प्रोबेबिलिटी, वो तो पॉजिटिव होता था लेकिन वेव फंक्शन नेगेटिव भी आ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास वेव फंक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली पॉजिटिव होती है। तो देखो बॉन्डिंग ओवरलैप तभी होगा जब सेम साइन का वेव फंक्शन जो है वो ओवरलैप करेगा। तो बॉन्डिंग ओवरलैप में पहले हम सिग्मा बॉन्ड ले लेते हैं, देन पाई बॉन्ड लेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड देखो एस और एस की ओवरलैपिंग से बन सकता है, तो एस और एस की ओवरलैपिंग से कब बनेगा, जब सेम साइन का हमारे पास ओवरलैप होगा। अगर अपोजिट साइन का ओवरलैप होगा तो फिर वो बॉन्डिंग ओवरलैप में नहीं जाएगा, वो डिफरेंट कैटेगरी में चला जाएगा। तो हमारे पास एस ऑर्बिटल कैसा होता है, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। ओके, एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और हमारे पास, मैं बोल रहा हूँ कि सेम साइन का होना चाहिए वेव फंक्शन का साइन, तभी हमारे पास बॉन्डिंग ओवरलैप होगा या बॉन्ड बनेगा। तो देखो ये सेम साइन के हमारे पास ओवरलैप हुए। ओके, एक एस का ऑर्बिटल और दूसरा एस का ऑर्बिटल जो है ओवरलैप करेंगे, ठीक है। दोनों एस एस कैसे है, स्फेरिकल है, ज्यादा बड़ा नहीं बनाते अदरवाइज स्पेस नहीं बचेगा। तो दोनों एस एस ऑर्बिटल है ना, दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैप करेंगे तो हमारे पास ओवरलैप करके क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो एक्चुअली में क्या है, ओवरलैप होके हमारे पास ये देखो इस टाइप से ये हमारे पास हेड ऑन ओवरलैप हो गया और ये आ गया। तो ये जो हेड ऑन ओवरलैप हुआ इसकी वजह से बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ओके, क्योंकि ओवरलैप कौन सा है, हेड ऑन है। दट यार वेव फंक्शन नेगेटिव नहीं होता था, क्या बात कर रहे हो, वेव फंक्शन नेगेटिव नहीं था क्या, ग्राफ याद है, ग्राफ ऐसा था कि नहीं था, ऐसा ग्राफ आता ही नहीं आता वेव फंक्शन का, वेव फंक्शन का ग्राफ याद है कि नहीं है, ठीक है। वेव फंक्शन जो अलग अलग ऑर्बिटल का अलग अलग, किसी के लिए ऐसा रहता है, तो ये पॉजिटिव वेव फंक्शन है, नेगेटिव वेव फंक्शन में क्या है, पॉजिटिव एंड देन ऐसा नेगेटिव हो रहा था, ऐसा याद आया, प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है, वेव फंक्शन हो सकता है। ओके, सो हमारे पास, तो वही बोल रहे हैं कि अगर वेव फंक्शन का साइन सेम है, ठीक है, हम बोल सकते हैं सेम साइन वाले वेव फंक्शन अगर ओवरलैप करेंगे या ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा या बॉन्डिंग ओवरलैप होगा। अब ये ओवरलैप हम दो टाइप के लेंगे, एक एक ऑर्बिटल कौन सा होगा, सॉरी एक ओवरलैप होगा हेड ऑन और दूसरा होगा लेटरल, ठीक है। तो ये एस एस ने क्या बनाया, सिग्मा बनाया, ऐसे ही देखो एस और पी भी सिग्मा बना सकते हैं, लेकिन साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। पी ऑर्बिटल कैसा होता है, पी ऑर्बिटल डंबेल टाइप का होता है क्या, नहीं होता, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला जो है, अगर पॉजिटिव वाले से ओवरलैप करेगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ऑब्वियसली अभी ओवरलैप कैसा है, ये हेड ऑन ओवरलैप है, ये कैसा ओवरलैप होगा, हेड ऑन ओवरलैप होगा। ओके, तो यहाँ पर ऊपर एस और एस का ओवरलैप हुआ, नीचे एस और पी का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। इसके थोड़ा कम है तो उस हिसाब से बनाते हैं। तो ये हमारे पास एस वाला आ गया एंड ये हमारे पास पी वाला आ गया, ठीक है। तो सेम साइन का ओवरलैप होना चाहिए। तो अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ओवरलैप होगा, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब देखो
यहाँ पर भी क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ओवरलैप कैसा है, हेड ऑन है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो सिग्मा बॉन्ड था इसको हम एस एस वाला सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे, ये किसकी वजह से बना है, एस और एस की ओवरलैपिंग की वजह से बना है। नीचे वाला जो है किसकी वजह से बना है, एस एंड पी की ओवरलैपिंग। ओके अच्छा, ये जो हमारे पास फाइनल हमारे पास जो वेव फंक्शन आया है, इस फाइनल वेव फंक्शन को मैं एक साथ पूरा ऐसा भी बता सकता हूँ कि बहुत बड़ा बना दो और पॉजिटिव ले लो, सिमिलरली नीचे वाले में भी क्या है, पॉजिटिव वाला बड़ा हो गया ना, तो उसको भी तुम क्या है, बहुत बड़ा बता सकते हो पॉजिटिव वाले को, और नेगेटिव वाला छोटा बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी हम इसको फाइनल वाले को लिख सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कैसा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ओवरलैपिंग जो है वो कौन सी है, हेड ऑन ओवरलैपिंग है। तो एस और एस ने सिग्मा बनाया, एस और पी भी क्या बना सकता है, सिग्मा बना सकता है। सिमिलरली आगे वाले लेंगे, पी और पी भी सिग्मा बना सकता है, तो वो भी लेंगे। पहले लिखो, नहीं सिद्धार्थ ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि यार ये नहीं बना सकता, मतलब अपने पास जो है एस और एस का हमेशा जो ओवरलैपिंग होगा वो मतलब सिग्मा ये हेड ऑन ही होगा। एस और एस कभी लेटरल ओवरलैपिंग नहीं करेंगे, कि यार स्पेरिकल है ना, तो स्पेरिकल है तो इसका क्या होगा, हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग ही होगा। नो दैट ऐसा नहीं है, बट क्या है कि अपने पास जो पॉजिटिव ये है, जो क्या बोलते हैं एस का जनरली क्या है, पॉजिटिव वाला पार्ट ज्यादा होता है, नेगेटिव वाला कम होता है। वेव फंक्शन अगर तुम देखोगे, एस का वेव फंक्शन देखोगे तो पॉजिटिव ज्यादा मिलेगा जनरली, नेगेटिव कम मिलेगा। लिख लिया सबने, ठीक है। तो मेनली यहां पर याद रखने वाला यही है कि यार सेम पी का, पी में भी क्या है कि पी में अगर तुम देखोगे तो पी में भी दोनों साइन आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। हर हर ऑर्बिटल में दोनों साइन के वेव फंक्शन होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन के होते हैं। ऑब्वियसली 1s की अगर हम बात करेंगे तो 1s में जस्ट पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन है, नेगेटिव वाला वेव फंक्शन नहीं है। ओके 1s में जस्ट पॉजिटिव वाला वेव फंक्शन होता है, याद हो तो, नेगेटिव नहीं होता है। दैट्स एक्चुअली पता है क्या है, ये एंगुलर हमने जो बनाया ना, देखो एंगुलर वेव फंक्शन जो है उसका ग्राफ हम नहीं बनाते, ठीक है, ये हमने बनाया नहीं है, बट एंगुलर वेव फंक्शन का जब हम ग्राफ देखते हैं ना दक्ष, तो वो डम्बेल जैसा ही आता है। एंगुलर वेव फंक्शन का जब हम ग्राफ देखते हैं तो वो जो ग्राफ है वो डम्बेल जैसा ही आता है, या जैसा हम बोल सकते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल जैसा ही आता है। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल में एंगुलर वेव फंक्शन बनाया हमने। ओके शेप ऑफ ऑर्बिटल्स इज नथिंग बट एंगुलर वेव फंक्शन। सो एंगुलर वेव फंक्शन जो है वो पी का ऐसा रहता है कुछ, अपने पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों रहते हैं। ओके एक पार्ट पॉजिटिव रहता है एंगुलर वेव फंक्शन में, एक पार्ट नेगेटिव रहता है। ओके बट वो वाला पार्ट हम जनरली क्या है, उतना वो इंपॉर्टेंट होता नहीं है तो बनाते नहीं है। तो शेप ऑफ ऑर्बिटल जो है वो एंगुलर वेव फंक्शन जैसा ही आता है। याद है हमारे पास वेव फंक्शन क्या होता था, दो टाइप का होता था, एक रेडियल होता है, ये साई अपने पास ओवरऑल वेव फंक्शन है, तो ये दो टाइप का होता है, रेडियल वेव फंक्शन एंड एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ये एंगुलर वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं। ओके तो एंगुलर वेव फंक्शन के हमने ग्राफ बनवाया ही नहीं है और वो सिलेबस में भी नहीं है अपने, ठीक है। बट यहाँ पर क्या, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा वो यूज होता है ओवरलैपिंग के लिए। तो यहाँ पर मेनली याद रखने वाला इतना ही है कि यार सेम साइन का अगर ओवरलैप होगा तो बॉन्डिंग ओवरलैप होगा, ठीक है, और उसी की वजह से बॉन्ड बनेगा। मतलब बॉन्ड बनने के लिए साइन जो है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
यस दैट मैंने रेडियल के लिए भी वही बोला है कि हमें ग्राफ मतलब मेंस वाले सिलेबस में अपने पास ये ग्राफ पूछते ही नहीं, मेंस वाले सिलेबस में ना तो रेडियल वेव फंक्शन वगैरह के ग्राफ पूछते हैं ना ही एंगुलर वेव फंक्शन वगैरह के ग्राफ पूछते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया एस और एस की वजह से सिग्मा बॉन्ड एंड एस एंड पी की वजह से सिग्मा बॉन्ड। अब इसके अलावा पी और पी जो है वो भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। पी और पी भी क्या बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। तो पी और पी का ओवरलैपिंग होगा तो यार मैंने जैसे पहले ही तुम्हें बताया कि ओवरलैपिंग जो है बॉन्डिंग ओवरलैप जो है इसमें साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो सेम साइन ले लेते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव देन सेम साइन होना चाहिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और हम अभी सिग्मा बॉन्ड की बात करें मतलब कौन से वाले ओवरलैप की बात कर रहे हैं, हेड ऑन ओवरलैप की बात कर रहे हैं। तो देखो अब क्या है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे से ओवरलैप कर लेगा, तो अपने पास ऐसा कुछ आ गया, ठीक है। या फिर इसको जैसा हमने पहले भी लिखा था इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम पॉजिटिव वाले को ऐसा बड़ा कर दें, नेगेटिव वाले ऑब्वियसली दोनों साइड छोटे छोटे हो गए, तो पॉजिटिव वाले को पूरा बड़ा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बन रहा है कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, बट ये सिग्मा बॉन्ड कौन से टाइप का है, ये सिग्मा बॉन्ड जो बना है ये पी और पी टाइप का है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड जो है नो दैट ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव भी ओवरलैप कर सकता है, ओके। वो एक्चुअली हम पॉजिटिव पॉजिटिव वाला करा रहे हैं, सेम साइन का ओवरलैप करेगा, ओके। चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, सेम साइन का ओवरलैप करेगा, अपोजिट का नहीं करेगा। नाउ तो हमारे पास तीन टाइप के सिग्मा बॉन्ड आ गए, एक एस और एस से बनेगा, एक एस और पी से बनेगा, और एक पी और पी से बनेगा, ठीक है। तो तीन टाइप के हेड ऑन ओवरलैप हुए जिनसे तीन टाइप के सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है। पहला बना था सिग्मा बॉन्ड एस और एस से, दूसरा बना था एस एंड पी से, तीसरा बना है पी एंड पी से, ओके। तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड आए। नाउ बात करते पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड जो है वो बनाता है पी ऑर्बिटल, पाई बॉन्ड कौन बनाता है, पी ऑर्बिटल बनाता है। तो ये देखो पी ऑर्बिटल जो है जैसे मैंने बताया कि ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर पी ऑर्बिटल ऐसे हैं तो अब जो ओवरलैप होगा वो कौन सा वाला होगा, वो लेटरल वाला ओवरलैप होगा, ठीक है। सो पी और पी ऑर्बिटल जो है ये हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड भी बनाएंगे और पाई बॉन्ड भी बनाएंगे, ओके। तो बेसिकली ये किस पे डिपेंड करेगा, तो ये जैसे मान लो हमने जो मॉलिक्यूलर एक्सेस है ना, ये जिस एक्सेस के अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं, अगर उस एक्सेस को हमने जेड ले लिया, जनरली जेड एक्सेस ले लेते हैं मॉलिक्यूलर एक्सेस, या जिस एक्सेस के अलोंग बॉन्ड बनते हैं तो उसको मॉलिक्यूलर एक्सेस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर जेड को हमने मॉलिक्यूलर एक्सेस लिया, ओके, तो इफ इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, इफ जेड इज टेकन एज मॉलिक्यूलर एक्सेस, ठीक है, या जेड के अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं, bonds are formed along z axis, NCERT वगैरह में z को लिया है, ठीक है, that's why हमने z लिया है। तो किसी भी के along भी बना सकते हैं ऐसे bond, लेकिन हमने यहाँ पर z के along ले लिया because NCERT में z ले लिया, ठीक है। तो अब अगर bond z के along बना रहे हैं तो px px जो है याद रखना वो pi sorry sigma बनाएगा, sorry wrong बोलिका, हम PZ PZ की बात करेंगे पहले। तो अगर Z इज मॉलिक्यूलर एक्सेस तो PZ एंड PZ जो है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ओके। तो PZ PZ सिग्मा बनाएगा, तो ये हमारे पास एक तरह से Z एक्सेस हो गया, ठीक है। ये कौन सा एक्सेस हो गया, Z। तो Y और X एक्सेस क्या होंगे, इसके परपेंडिकुलर होंगे ना, तो मान लो ये अपने पास Y एक्सेस वाला हो गया, ठीक है, या फिर मान लो ये X एक्सेस वाला हो गया, कोई भी ले लो। तो इनका जो ओवरलैपिंग होगा x x वालों का या y y वालों का, वो कैसा ओवरलैप होगा, लेटरल ओवरलैप होगा, ठीक है। तो pz pz सिग्मा बना लेगा एंड px px जो है ये पाई बनाएगा, सिमिलरली py एंड py जो है वो भी पाई बनाएगा, ठीक है। तो जिस एक्सेस के अलोंग हमारे पास बॉन्ड बन रहे हैं या जो हमारे पास मॉलिक्यूलर एक्सेस है उसके
ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल क्या बनाएंगे, सिग्मा बनाएंगे, बाकी जो परपेंडिकुलर ओरिएंटेशन वाले ऑर्बिटल है वो पाई बना लेंगे, ठीक है। तो पीजेड पीजेड सिग्मा बना रहा है क्योंकि जेड एक्सिस के अलोंग हम बॉन्ड बना रहे हैं, तो पीजेड पीजेड का हेड ऑन ओवरलैप हो जाएगा। लेकिन पीएक्स और पीवेक्स क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। पीएक्स पीएक्स जो है ये जेड एक्सिस के क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे आ गए अपने पास, ये पीएक्स पीएक्स ऐसे आ गए, तो ऑब्वियसली इनका जो ओवरलैप है वो कैसा होगा, इनका ओवरलैप लेटरल वाला होगा। दैट्स प्लेन सेम है, हम एक्सेस की बात करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेन, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेस। जेड एक्सेस के अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं ना कि प्लेन के अलोंग। यस प्रेस, अगर कुछ दिया नहीं है देन जेड एक्सेस को मॉलिक्यूलर एक्सेस ले लेना, क्योंकि एनसीईआरटी में वही लिया है, बाकी अगर वो क्वेश्चन में देंगे देन उसके हिसाब से चलो, ठीक है। सो पीएक्स पीएक्स पाई बनाया, पीवाई पीवाई भी पाई बनाया, तो कैसा बनेगा पाई, तो देखो ये हमारे पास ओवरलैप होगा, तो इस टाइप से हमारे पास ओवरलैप हो गया, ठीक है। सो ये जो बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड बना है, और किस टाइप का पाई बॉन्ड है, पी और पी की ओवरलैपिंग वाला पाई बॉन्ड है, या फिर इसको हम पूरे को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर जेड मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो पीजेड पीजेड क्या बनाएगा, सिग्मा बनाएगा, पीएक्स पीएक्स पाई बनाएगा, पीवाई पीवाई भी पाई बनाएगा। अगर मान लो एक्स को मॉलिक्यूलर एक्सेस लिया देन, अगर एक्स मॉलिक्यूलर एक्सेस है तो पीएक्स पीएक्स सिग्मा बनाएगा, बाकी जो है वो पाई बनाएंगे। दक्ष तुम्हें समझ नहीं आ रही वो चीज, देखो क्या है, ये हमारे पास जेड एक्सेस है और ऐसे अपने पास एक्स एक्सेस है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया मान लो पी जेड, एक और एक एटम का ये हो गया पी जेड, ठीक है। ये जेड एक्सेस है, हम ऐसे बोलते हैं कि ऐसा है, मान लो दिस इज जेड दिस इज एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास क्या हो गया, पी जेड। इसी टाइप से दूसरा वाला ये क्या हो गया, पी जेड हो गया, लेकिन इसी एटम के मतलब दोनों एटम के पास पी एक्स पी एक्स भी है, ये px है ये px है। तो अब मुझे ये बताओ कि कौन सा क्या बॉन्ड बनाएगा, यार इन दोनों का ओवरलैप हेड ऑन हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का हेड ऑन तो कैसे होगा बताओ ना, उन दोनों का लेटरली होगा ना, हाँ बोलो सर। आई एम सेइंग सपोज x वाज इन सेम प्लेन एज z, तो x वाले भी तो नीचे हो गए ना, अरे सेम प्लेन है ना भाई, मैं कब दूसरा प्लेन बोल रहा हूँ, मैंने बोल रहा हूँ एक्स जेड प्लेन है, हमने जो बनाया एक्स जेड प्लेन है, लेकिन एक्स जेड प्लेन है तो उसमें ऑर्बिटल तो परपेंडिकुलर हो गए ना यार, ये पी अच्छा ओके ओके, जेड ऑर्बिटल जो है वो ये जेड वाला पी जेड वाला ऑर्बिटल है, ये पी एक्स वाला ऑर्बिटल है, तो दोनों ऑर्बिटल तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये दोनों ऑर्बिटल जो है ये हेड ऑन करेंगे, लेकिन ये वाले जो है ये दोनों लेटरल करेंगे, ओके। तो यहां पर ये जो है ये कौन सा ओवरलैप हुआ, ये हुआ लेटरल वाला, ठीक है। और ये वाला जो है ये कौन सा ऑर्बिट ओवरलैप हुआ, ये हुआ हेड ऑन वाला, ठीक है। तो मैंने डायग्राम से भी तुम्हें बता दिया। यस अलीसिया, अगर px px जो है सिग्मा बना रहे देन ऑब्वियसली py py पाई बनाएगा और pz pz भी पाई बनाएगा। देखो सानी का ड्रॉ कर सकते हो, समझने के लिए यू कैन ड्रॉ, अगर समझ में आ गया देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ड्रॉ करना चाहे हो तो कर सकते हो कि ये कैसे मतलब पीजेड पीजेड क्यों सिग्मा बना रहा है,
और px px क्यों पाई बनाकर का मैं वही बोल रहा हूं कि अगर समझ में आ गया देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो यहां से तुम देख सकते हो कि pz pz क्यों सिग्मा बना रहा है और px px क्यों पाई बना रहा है। ओके हो गया सबका? नौ आगे चलते हैं। तो ये हमने जो फर्स्ट टाइप का ओवरलैप देखा है वो कौन सा है? बॉन्डिंग ओवरलैप है, और इसी की वजह से ऑब्वियसली बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड आए, एक सिग्मा आया दूसरा पाई आया। अब देखो दूसरा टाइप का जो ओवरलैप है वो नॉन एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप है, और उसकी वजह से एक्चुअली बॉन्ड नहीं बनते है, मैं बोल रहा हूँ कि स्टेबिलिटी कम होती है। ओके सो ये अभी उतना यूज नहीं होगा, आगे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लेंगे वहां पर इसका यूज होगा, बाकी बता देते हैं अभी। तो एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप में अपोजिट साइन वाला जो है उसका ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, बॉन्डिंग ओवरलैप में क्या हो रहा था? सेम साइन वाला ओवरलैप कर रहा था, लेकिन एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप जो है इसमें अपोजिट साइन वाला ओवरलैप करेगा। जैसे मान लो हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें, और अभी इसको सिग्मा नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार बोलेंगे। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाले के लिए क्या बोलेंगे? स्टार यूज करेंगे, स्टार वर्ड। ओके तो ये हमारे पास S है, और P का क्या ले लें? अपोजिट वाला ले लें। ठीक है, मतलब ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। ओके तो अब इन दोनों का जो ओवरलैपिंग है उससे हमारे पास एंटी बॉन्डिंग वाला और ओवरलैप होगा, और उससे कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, या ऐसा होने से तो क्या स्टेबिलिटी भी कम हो जाती। ओके तो यहां से क्या है, इसको मैं मतलब क्या है कि अभी एक्चुअली हो क्या रहा है, ये काइंड ऑफ ऐसा है कि हमारे पास वेव फंक्शन जो है एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके okay? जब अपोजिट साइन का ओवरलैप होता है, इसका मतलब क्या है कि वेव फंक्शन जो है एक के वेव फंक्शन में से दूसरा वेव फंक्शन जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, सो इसलिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा कुछ ऐसा दिखा देंगे, बिकॉज वेव फंक्शन क्या हुए? सब्ट्रैक्ट हुए। ठीक है, सो वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई? थोड़ी कम हो गई। जब अपोजिट ओवरलैप हो रहा है तो इसका मीनिंग यह है कि वेव फंक्शन क्या किए जा रहे हैं? सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। और जब सेम फंक्शन मतलब सेम साइन का ओवरलैप हो रहा है, मतलब वेव फंक्शन ऐड किए जा रहे हैं। ओके तो ऐड करने पर वैल्यू बढ़ जाएगी, सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये जो बना है ये कैसा बना है? हेड ऑन ओवरलैप हुआ है ना, दिस इज सिग्मा स्टार। ओके ये कौन सा है? सिग्मा स्टार वाला है। सिमिलरली पी और पी का भी हेड ऑन हो सकता है ना, तो पी और पी का भी हेड ऑन कर सकते हैं, लेकिन अपोजिट साइन लेते हैं। सेम साइन लिया तो बॉन्डिंग वाला हो जाएगा। ठीक है, तो अपोजिट साइन लेते हैं, तो ये देखो अपोजिट साइन लिया। नाउ ऑब्वियसली यहां पर भी क्या एक तरह से सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सिग्मा स्टार। तो ये हमारे पास कौन सा ओवरलैपिंग किया हमने? ये हमने बॉन्डिंग ओवरलैप किया, सॉरी नॉन एंटी बॉन्डिंग ओवरलैप किया। नो प्रैक्टिस, अपोजिट साइन का ओवरलैप होगा तो बॉन्ड नहीं बनेगा, वही मैं बता रहा हूँ। बॉन्ड जो है वो सेम साइन के ओवरलैप की वजह से बनेगा, अपोजिट साइन के ओवरलैप की वजह से तो स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो जाता है। ओके इसका यूज आगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम पढ़ाएंगे, उसमें होगा। नाउ इसी टाइप से पाई स्टार बॉन्ड देख लेते हैं। तो पाई स्टार बॉन्ड जो है उसमें भी ऐसा ही होगा, लेकिन वहां पर ओवरलैप कौन सा है? वहां पर हेड ऑन ओवरलैप है। ठीक है, तो वहां पर हेड सॉरी ओवर कौन सा? लेटरल ओवरलैप है। तो लेटरल ओवरलैप है लेकिन अपोजिट साइन का ओवरलैप कराएंगे। ओके
तो ये देखो अपोजिट साइन वाले ओवरलैप करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, छोटे हो जाएंगे सारे, ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा ओवरलैप आ गया, एंटीबॉन्डिंग ओवरलैप आ गया, लेकिन किस टाइप का आया, लेटरल टाइप का आया, ओके। तो इसको हम बोलेंगे पाई स्टार, इसको क्या बोलेंगे, पाई स्टार बोलेंगे, ओके। अगर बॉन्ड बनता मतलब बॉन्डिंग ओवरलैप होता तो पाई बॉन्ड बोलते, ठीक है, लेकिन अभी से क्या बोलेंगे, पाई स्टार बोलेंगे। तो इसका यूज एंटीबॉन्डिंग ओवरलैप वाले का जो यूज है, एंटीबॉन्डिंग वाले का जो यूज है, ये कहां पर होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होगा। दस दोनों कम हो जाएंगे यार, ऐसा थोड़ी एसएस कम होगा, ये भी कम हुआ है और ये भी, मतलब अपने पास दोनों कम हुए, सब्ट्रैक्शन हुआ ना, तो ये भी छोटा हो जाएगा और ये भी छोटा हो जाएगा, दोनों छोटे हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर भी सब्ट्रैक्शन हुआ आपस में, तो इन दोनों, ये दोनों देखो छोटे हो गए, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी नेक्स्ट वाले में भी क्या, ये इससे ओवरलैप हुआ तो छोटा हो गया, दोनों छोटे हुए, और नीचे वाले भी जो है ओवरलैप हुए तो छोटे हो गए। बोलो सर, अगर ऑर्बिटल का साइज छोटा हो जाता है, इट वी कैन से दैट इट मींस दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन दैट रीजन विल डिक्रीज। प्रोबेबिलिटी का नहीं यार, प्रोबेबिलिटी और अपने पास वेव फंक्शन का तो अलग है ना, मतलब ठीक है तुम बोल सकते हो काइंड ऑफ वैसे, क्योंकि स्क्वायर करने पर आती है ना, स्क्वायर एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम भी करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो है देखो क्या था, साई वॉज वेव फंक्शन, साई स्क्वायर वॉज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंड देन उसको मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करते हैं तो हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। Okay. फिर अगर p ऑर्बिटल छोटा हो रहा है तो उसका मीनिंग क्या है, लाइक p ऑर्बिटल छोटा हो रहा है मतलब वेव फंक्शन छोटा हो रहा है तो उसको काइंड ऑफ बोल सकते हैं ऐसे प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्क्वायर वगैरह करने पर एंड देन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करने पर भी हमारे पास क्या है, ये सॉरी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम करने पर हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी आएगा। बट वही चीज है कि इसको ऐसे मत देखो, इसको ऐसे देखो कि पहले हमारे पास क्या था, जब ओवरलैप हो रहा था ना, इसको तुम ऐसे सोचो कि जब ओवरलैप हो रहा था तो इधर ये वाला पार्ट नहीं था, क्या नहीं था ना, अभी वाला पार्ट खाली है, इसका मतलब क्या है कि इधर नोडल प्लेन आ गया, या हमारे पास ऐसा बीच में दोनों एटम के बीच में तो ऐसा रीजन आ गया जहां पर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, ओके। तो यहाँ पर ऐसा नोडल प्लेन आ गया, सिमिलरली यहाँ पर भी नोडल प्लेन आ गया, इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर तो दो नोडल प्लेन आ गए जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं है ऐसे, तो ये जो है यहाँ पर एक्चुअली बॉन्ड बना ही नहीं है, ओके। यहाँ पर बॉन्ड बना ही नहीं है, यहाँ पर तो स्टेबिलिटी और कम हो गई है, पहले से भी कम हमारे पास क्या है, स्टेबिलिटी हो गई। जो ओरिजिनल हमारे पास एटम थे ना, मतलब ओरिजिनल ऑर्बिटल जो थे, उनकी जो स्टेबिलिटी थी उससे भी कम स्टेबिलिटी हो गई अभी। यस सर, ठीक है, आगे इसका हम यूज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में करें। सर ये आगे हम बाद में और डिटेल में इसको पढ़ना है, डिटेल में मतलब वहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थोड़ा आएगा इसके बारे में, और वहां पर हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी कैसे कम होती है, ठीक है। ओके सर, ओके। नाउ ये हमारे पास हुआ, नाउ नेक्स्ट वाला जो ओवरलैप है लिख लिया सबने, तो नेक्स्ट वाला जो ओवरलैप है ये हमारे पास है नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप। नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप मतलब बॉन्डिंग होगा ही नहीं, ऐसा ओवरलैप होगा ही नहीं, ठीक है, इस टाइप का ओवरलैप तो पॉसिबल ही नहीं। तो जैसे देखो हमारे पास ये एस है और ओवरलैप कुछ इस टाइप से हो गया, ठीक है, तो यहां पर कोई ओवरलैप नहीं हो पाएगा, ओके। एस ऑर्बिटल और वो कुछ इस टाइप से पीछे ओवरलैप करने आया तो ऑब्वियसली यहाँ पर कोई ऑर्बिटल नहीं हो पाएगा, मतलब कोई ओवरलैप नहीं हो पाएगा, तो क्या बोलेंगे, दिस इज नॉन बॉन्डिंग, मतलब ओवरलैप ही पॉसिबल नहीं। सिमिलरली हमारे पास एक पी का और ऐसा ऑर्बिटल आ गया और दूसरा इसका परपेंडिकुलर वाला ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, दूसरा हमारे पास ऐसा ऑर्बिटल आ गया,
तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहां पर भी क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग हो जाएगा। जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो ये अपने पास px वाला ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल, चलो px नहीं pz ही ले लेते क्योंकि मॉलिकुलर एक्सेस में वही ले लेते, ये मान लो pz वाला ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल है ये अगर px या py में से कोई एक हुआ तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग नहीं हो, समझ आया। तो ओवरलैपिंग की वजह से, मतलब ओवरलैपिंग के लिए ओरिएंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप मतलब जहां पर ओवरलैपिंग ही पॉसिबल नहीं है उस ओवरलैप को हम क्या बोलेंगे, नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप बोलेंगे। जरूरी नहीं ऑर्बिटल शुड बी सेम, एस का पी के साथ ओवरलैपिंग होता तो है ना, एस ऑर्बिटल पी के साथ ओवरलैपिंग करता रहा है, ये देखो। बट ओरिएंटेशन ऐसा होना चाहिए कि ओवरलैपिंग हो सके, ओके। ओरिएंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब यहां पर क्या है, यहां पर ओरिएंटेशन देखो कैसा है पी ऑर्बिटल का, और यहां पर देखो ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है। ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ओके। सो नेक्स्ट, पाई बॉन्ड और पाई स्टार, विच पार्ट, पाई बॉन्ड पार्ट और पाई स्टार पार्ट, पाई, ओके। ऐसा कहां पे मैंने बोला कि भाई px जो है वही कंबाइन होगा, py कंबाइन नहीं होगा इसके साथ, ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं ना। मैंने बोला कि जिस एक्सेस के अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं उसी एक्सेस के अलोंग हमारे पास p होना चाहिए, दक्ष। अगर तुम जेड एक्सेस के अलोंग बॉन्ड बना रहे हो, मतलब मॉलिक्यूलर एक्सेस जेड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर एक्सेस अगर जेड है तो फिर हमारे पास, अगर हम मॉलिक्यूलर एक्सेस को जेड लेंगे तो एस एंड पी जेड का ही ओवरलैपिंग होगा, ना तो एस एंड पी एक्स का होगा और ना ही एस एंड पी वाई का होगा, समझ आया। तो मॉलिकुलर एक्सेस कौन सा है वो इंपॉर्टेंट, बोलो सर। दैट ओनली आई एम आस्किंग दैट इज देयर सम रूल हाउ टू चेक दैट व्हिच ऑर्बिटल विल कंबाइन विद व्हिच वन। अरे रूल्स नहीं है ना, तो मॉलिकुलर एक्सेस के अकॉर्डिंग है ना यार ये सब चीज। अब देखो जैसे मैंने वहां पर बनाया था, मैं फिर से वही चीज सेम चीज यहां पर तुम्हें बना के बताता हूँ कि हमारे पास जैसे ये जेड एक्सेस है, ठीक है, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, तो ये अपने पास एस ऑर्बिटल है और पी ऑर्बिटल में देखो ये अपने पास हो गया पी जेड ऑर्बिटल और ये हो गया मान लो पी एक्स या पी वाई, कोई ये पी एक्स हो गया हमने एक्स। अब देखो इस ऑर्बिटल का और इस ऑर्बिटल का ही ओवरलैपिंग हो सकता है, ये वाले ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं हो सकता इसके साथ,
कैसे ओवरलैपिंग करेगा वो, समझ आई नहीं आया? एस ऑर्बिटल जो है पी जेड के साथ ओवरलैपिंग, यस वेदांत ऑब्वियसली इसका डायमेंशन रॉन्ग है, ठीक है, एस ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर सकता है अभी? ओके, सो हमारे पास ओरिएंटेशन इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो कैसे होगी। ये वाला दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप कर ही नहीं सकते ना, ये कौन सा टाइप का ओवरलैप होगा अगर ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो? ऐसा तो कोई ओवरलैप है ही नहीं, या तो हेड ऑन ओवरलैप हो या लेटरल हो, तो इस टाइप का ओवरलैप कौन सा हुआ? ठीक है, समझाया दक्ष? दक्ष समझ आया कि नहीं आया? यार मैं ये बोल रहा हूं कि ये एस ऑर्बिटल और ये वाला पी ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर सकता है एक दूसरे के साथ? पॉसिबल है कि इन दोनों का ओवरलैप? ये हमारे पास प्लस है, ये प्लस माइनस ऐसा है, तो ओवरलैप कैसे होगा इनका बताओ ना। तुम बोलोगे सर ये ऐसे ओवरलैप कर लेगा, तो ऐसे ओवरलैप कर लेगा तो वो तो फिर अपना ओरिएंटेशन चेंज कर लिया ना उसने, तो समझाया? तो ओवरलैप पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला जो है यही ओवरलैप कर पाएगा, ओके, अपना ओरिएंटेशन चेंज नहीं करेगा ये ऑर्बिटल। ओरिएंटेशन चेंज कर लिया देन वो पीएक्स क्यों रहा, वो तो पीजेड हो गया फिर। क्लियर है क्या? बोलो सर, सपोज हमारे पास 5s ऑर्बिटल है, वो बहुत बड़ा होता है, और हमारे पास 3p ऑर्बिटल है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा पार्ट ऑफ 5s ओवरलैप्स द p ऑर्बिटल? ऐसे पॉसिबल नहीं है? नो नो, क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल है? थोड़ा पार्ट कैसे ओवरलैप करेगा? तुम तो ऐसे ओवरलैप करा रहे हो यार, मतलब तुम ऐसे ओवरलैप करा रहे हो, ये थोड़ी पॉसिबल है, इस टाइप का ओवरलैप थोड़ी होता है। ऐसा नहीं, थोड़ा सा मतलब द एज ऑफ 5s जस्ट मतलब थोड़ा सा ओवरलैप्स द पी तो वाले। ऐसा करा रहे हो ना तुम, काइंड ऑफ तो वही हो गया ना कि कुछ पॉजिटिव पार्ट पे हाँ ओवरलैप हो हाँ गया, कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव पार्ट पार्ट, पे है, यस यस तो यस। पॉजिटिव और नेगेटिव पे कैसे ओवरलैप होगा साथ साथ? अच्छा, ओके सर, ओके। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पे कैसे ओवरलैप होगा? तो एक पार्ट में भी ऐसा नहीं हो सकता? एक पार्ट में कैसे होगा? अपने पास न्यूक्लियस ये है ना, इसके अलोंग होगा ना यार ओवरलैप से। यस सर, क्योंकि एस डायरेक्शनली बायस थोड़ना है, एस तो सारे डायरेक्शंस में सेम ही होता है। अरे सारे डायरेक्शन में सेम होता है, बट ऐसे तुम तो इधर तुम बोल रहे हो ऐसे ओवरलैप नहीं हो जाएगा, तुम ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसे क्यों करेगा ऊपर ओवरलैप? न्यूक्लियस जो है उसको एक ही उसमें लोगे ना तुम, यस दोनों सर, का जो न्यूक्लियस ओके। वाला पार्ट है वो तो एक ही उसी में रहेगा ना, तुम इसको अलग अलग कैसे ले सकते हो? तुम बोल रहे हो कि एस एस जो ऊपर है और पी वाला न्यूक्लियस या पी वाला जो पार्ट है वो नीचे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना। यस सर, ओके, तुम ऐसे ले अंडरस्टूड। रहे हो और पी को ऐसे ले रहे हो, तो इसका न्यूक्लियस इस इधर है, इसका न्यूक्लियस इधर है, तो ये तो अलग अलग हो गया ना, ठीक है? नाउ अब लेते हैं हम एग्जांपल यहाँ पर, तो अपने पास इसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो लास्ट हमारे पास था ऑब्वियसली नॉन बॉन्डिंग ओवरलैप, ठीक है, सो ये टाइप ऑफ ओवरलैप हमने ले लिया। अब ऑब्वियसली यहाँ पर और इसको क्लियर करने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे बन रहे हैं ओवरलैप को यूज करके वो देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम देखते हैं H2, H2 कैसे बना, VBT के थ्रू अगर हम देखें तो H2 कैसे बना। तो हाइड्रोजन जो है, दो हाइड्रोजन एटम है इसमें, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या है भाई? इट इज 1s1 है कि नहीं? ओके, सो हमारे पास दो हाइड्रोजन के एटम है और दोनों हाइड्रोजन एटम में क्या है, 1s जो है
अच्छा अब देखो, हम यहाँ पर जब बॉन्ड बना रहे हैं इसका ऑब्वियसली मीनिंग ये है कि सेम साइन का ही ओवरलैप हो रहा होगा, ओके। हम यहाँ पर साइन तो दिखाने वाले हैं नहीं, तो अगर बॉन्ड बना रहे हैं इसका मीनिंग ये है कि सेम साइन का जो है वही ओवरलैप हो रहा है, ओके। सो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास दो हाइड्रोजन एटम है, एक हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरे हाइड्रोजन एटम में भी ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एटम ऑब्वियसली ss ऑर्बिटल के हैं, दोनों का ओवरलैप हुआ और ओवरलैप होके हमारे पास क्या आ गया, दोनों ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये मैं बोल सकता हूँ कि एस और एस ने बॉन्ड बना दिया, ठीक है। ये चलो इसको, ये एक हाइड्रोजन का है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन के ss ऑर्बिटल आए और उन्होंने क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो हमारे पास एस सिंगल बॉन्ड एस, ठीक है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन गया, वो ऑब्वियसली वो बॉन्ड कैसा है, सिग्मा बॉन्ड है, बिकॉज ओवरलैपिंग कैसा हुआ है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है, क्लियर है सभी को। तो इस टाइप से H2 बना, आगे चले, यस दैट्स, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वहां पर हम आगे और भी आएगा एक्चुअली, आगे हम और बताएंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ही थोड़ा और एडवांस हो जाएगा जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन वगैरह की बात करेंगे। इट इज जस्ट ये बोलता है कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, अब ओवरलैपिंग किस टाइप के ऑर्बिटल का होगा ये आगे और हम देखेंगे, अभी जस्ट ये देखते हैं कि ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से बॉन्ड बनता है। दिस इज प्रीवियस स्लाइड, जल्दी देखो, स्पिन का देखो, स्पिन कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पिन चलेगा, ये जो चलेगा, लेकिन फाइनल वाले में वॉइस नहीं आ रहा है क्या, दक्ष बोल रहा है वॉइस क्रैक हो रहा है, बाकी को भी क्रैक होके आ रहा है क्या, अभी क्लियर है क्या, अभी क्लियर है ना सबको, ओके। सो हम ये बोल रहे हैं कि जो स्पिन है वो ओवरलैपिंग से पहले कैसा भी हो चलेगा, सेम स्पिन भी हो चलेगा, अपोजिट स्पिन हो तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे इस केस में हमने सेम स्पिन ले लिया, यू कैन टेक अपोजिट स्पिन ऑल्सो, इसकी बजाय तुम क्या कर सकते थे, अपोजिट स्पिन भी ले सकते हैं, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब बॉन्ड बन रहा है या फाइनली जब ये ओवरलैप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उनका स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट फाइनल वाला है, फाइनली जब ये ओवरलैप हुए तो स्पिन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, ओके। सो दिस वॉज एच टू, दैट एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा ना, हाँ बोलो सर। आई एम सेइंग यू सेड दैट टू स्पिन, स्टार्टिंग में स्पिन सेम होगा तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एंड में जाके स्पिन अलग अलग हो जाएगा, सर हाउ कैन द स्पिन चेंज इन द लास्ट स्टेप, ऐसा कैसे लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप नहीं यार, वो अपने पास बॉन्ड जब बन रहा है तो बॉन्ड कैसे बन रहा है, ओवरलैपिंग से बन रहा है, ठीक है, और ओवरलैपिंग जो है वो ऑर्बिटल का हो रहा है और एंड में जाके एक तरह से वो एक ही ऑर्बिटल की तरह काम कर रहे थे, तो उस ऑर्बिटल में दोनों का स्पिन सेम होना चाहिए और ऑब्वियसली बॉन्ड भी बना है, तो बॉन्ड बना है तो अपने पास स्टेबल होना चाहिए, तो स्टेबल तभी होगा ना, लेकिन एकदम से कैसे इलेक्ट्रॉन चेंज कर देगा अपने स्पिन, ऐसा कैसे करेगा,
मैं क्यों नहीं कर सकता, उसमें क्या प्रॉब्लम है? रोटेट नहीं कर रहा है वो, अपने एक्सेस पे घूम रहा है वो। अच्छा तो फिर चेंज कर सकता है ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन? हाँ क्यों नहीं कर सकता, क्या प्रॉब्लम? ओके सर, ओके, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं कि और वैसे भी देखो स्पिन वगैरह ये जस्ट क्या थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई घूमते हुए दिखा नहीं था। ठीक है, ये जस्ट क्या है कि इसको तुम ऐसे सोचो कि अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर है, इस चीज को ऐसे सोच के चलो कि अपोजिट स्पिन है, मतलब अलग अलग स्पिन क्वांटम नंबर है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को सेपरेटली बोलने का एक तरीका है। ठीक है, कि दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों एक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को अलग अलग हम कैसे क्लासिफाई करें, तो इसके लिए क्या बोल दिया कि एक का एस प्लस हाफ एक का एस माइनस हाफ ऐसा है। ठीक है, तो बाद में भी दो इलेक्ट्रॉन है तो दोनों का स्पिन क्या अलग अलग है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर अलग है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, तो ये था H2। नेक्स्ट हम लेंगे यहां पर SF। तो SF जो है इसमें हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम है एक फ्लोरीन का एटम है, तो हाइड्रोजन एटम का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, इट इज 1s1, और फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन का आउटर मोस्ट का ही लेते हैं, तो इट इज 2s2 एंड 2p5। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल आया भाई, और ये फ्लोरीन का p। अब देखो लास्ट वाले मैंने सेम स्पिन ले लेता, अभी मैं ऐसा करता अपोजिट ले लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास फ्लोरीन का ओवरलैप आया और ये फ्लोरीन का मैंने अपोजिट, सेम भी ले सकता जैसे मैंने बताया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इन दोनों का क्या होगा, ओवरलैप होगा। ओके, दोनों का क्या होगा, ओवरलैप, तो उस ओवरलैपिंग की वजह से क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। ऑब्वियसली कैसा ओवरलैप हो रहा है, हेड ऑन ओवरलैप हो रहा है, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हमारे पास ये ओवरलैप हो गया, तो ये H और F के बीच में बॉन्ड बन गया, H सिंगल बॉन्ड F। ओके, सो बेसिकली ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल की, और उस ओवरलैपिंग की वजह से बॉन्ड बन रहा है। ये भी बॉन्ड कैसा, सिग्मा है, बिकॉज ओवरलैपिंग कैसा हुआ है, हेड ऑन हुआ है। देखो बॉन्ड अगर बन रहा है दस, तो इसका मतलब क्या है कि जिस मतलब बॉन्ड अगर बन रहा है तो ऑब्वियसली जो एक्सेस ले रहे हैं उसी के अलॉन्ग बॉन्ड बन रहा है ना। मैं क्या बोलूं, मतलब इसको अगर हम बोल रहे हैं बॉन्ड अगर हमारे पास जेड एक्सेस के अलॉन्ग बन रहा है, तो बॉन्ड बना है ना ऑलरेडी, तो ऑब्वियसली वो पी जेड ही होगा। अगर बॉन्ड नहीं बनता देना, वो पी एक्स या पी वाई होता, समझाया? बॉन्ड बन गया इसका मतलब क्या है कि वो ओरिएंटेशन एक्सेस के अलॉन्ग ही है, जिस एक्सेस के अलोंग बॉन्ड बन रहे हैं उसी एक्सेस के अलोंग ये पी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, तभी बॉन्ड बना है। आन वो भी एग्जांपल लेंगे, यस दक्ष, ठीक है हो गया सबका, आगे चलें। हाँ सिद्धार्थ, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अच्छा एग्जांपल लेने से पहले, नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेने से पहले एक और चीज हम यहां पर देखेंगे कि अपने पास दो टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बन रहा है दूसरा पाई बन रहा है। ठीक है, सिग्मा ऑब्वियसली हेड ऑन ओवरलैपिंग से बन रहा है, और पाई जो है वो लेटरल ओवरलैपिंग से बन रहा है। नाउ याद रखना, सिग्मा बॉन्ड जो है ये स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड वीक होता है। ओके,
सो पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज लेस इन पाई बॉन्ड. ठीक है, पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो कम होती है और सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और पाई बॉन्ड वीक है. ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड की ओवरलैपिंग हो गई और ये हमारे पास पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग. तो पाई बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है कम होती है और सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और पाई बॉन्ड जो है ये क्या है, वीक बॉन्ड. ओके, एक और चीज है कि अपने पास दो एटम के बीच, ऑब्वियसली अब हमारे पास सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है पाई बॉन्ड वीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही बनना चाहिए ना. तो पहले वीक बॉन्ड थोड़ी बना दोगे, जब भी ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना, जो बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. तो पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा, पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा. या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो दो एटम के बीच में ओवरलैपिंग होगा वो हेड ऑन ही होगा. ओके, तो यहां पर क्या है, पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म ओनली आफ्टर ए सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, दो एटम्स के बीच में पाई बॉन्ड तभी बनेगा जब सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो चुका होगा. ठीक है, जब तक सिग्मा बॉन्ड दो एटम के बीच में फॉर्म नहीं होगा तब तक पाई बॉन्ड बनेगा ही नहीं. तो पहला जो ओवरलैप है वो हेड ऑन होगा दो एटम के बीच में, उसके बाद में जो ओवरलैप होगा वो लेटरल वाला होगा. ठीक है, तो बिटवीन टू एटम्स फर्स्ट ओवरलैप इज हेड ऑन, उसके बाद में अगर दो एटम के बीच में और ओवरलैप हुए तो लेटरल होगा. ठीक है, दैट इज फर्स्ट ओवरलैप इज हॉल्ड हेड ऑन, रेस्ट आर लेटरल बिटवीन टू एटम्स. ठीक है, दो एटम्स के बीच में अगर ओवरलैप हो रहे हैं एक से ज्यादा तो पहला जो ओवरलैप है वो हेड ऑन हुआ होगा, बाकी जो ओवरलैप है वो क्या हुए होंगे, लेटरल हुए होंगे. देखो फिर आगे हम एग्जांपल लेंगे उसमें और देखोगे कि कैसे हमारे पास ओवरलैपिंग हो रही है. अलीसिया, लास्ट में हमने लिखा दैट इज फर्स्ट ओवरलैप इज हेड ऑन, रेस्ट आर लेटरल बिटवीन टू एटम.
हो गया सबका? तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, क्लोरीन में हमारे आवाज आ रही है सभी को? ओके, तो हम एग्जांपल ले रहे थे F2 का, तो थर्ड एग्जांपल है F2। तो जैसा हमने बताया कि फ्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p5 वैलेंस शेल का ही ले रहे हैं। तो अभी देखो हमारे पास दोनों फ्लोरीन एटम में पी ऑर्बिटल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल दोनों फ्लोरीन के पी ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे, लेकिन वो पी ऑर्बिटल का जो ओवरलैपिंग है वो हेड ऑन भी हो सकता है और लेटरल भी। तो हेड ऑन हुआ तो सिग्मा, लेटरल हुआ तो पाए। लेकिन हमने क्या बोला है कि पहला जो दो एटम के बीच में ओवरलैप होता है वो कैसा होता है, हेड ऑन होता है या सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ओके, तो अभी यहां पर हम जो ओवरलैप कराएंगे वो कौन सा कराएंगे, हेड ऑन वाला कराएंगे या सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये हमारे पास एक फ्लोरीन का हो गया, सिमिलरली दूसरा फ्लोरीन जो है वो आया ओवरलैप करने। जैसा मैंने बताया साइन सेम भी ले सकते हो, पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास फाइनल वाला जो हमारे पास होगा उसमें इस टाइप से हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो F सिंगल बॉन्ड F आ जाएगा। तो ये ऑब्वियसली कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ना कि पाई बॉन्ड। सिग्मा ही होगा क्योंकि हाइड्रोजन जो सॉरी एस ऑर्बिटल जो है वो हेड ऑन करेगा, लेटरल करेगा ही नहीं। ओके, एस ऑर्बिटल तो हेड ऑन ही करता है। लिख लिया सबने? दैट्स आई सेड कि एस ऑर्बिटल है ना एसएफ में, तो
एसएफ में एक एस ऑर्बिटल था एक पी ऑर्बिटल था, बट एस ऑर्बिटल ऑलवेज हेड ऑन ही करता है, ये एस ऑर्बिटल ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। यस डॉक्टर, अगर तुम मॉलिक्युलर एक्सेस जेड ले रहे हो देन पी जेड सिग्मा बनाएगा। अरे सिद्धार्थ, हेड ऑन हो गया तो अभी लेटरल कैसे हो जाएगा भाई? हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया तो दूसरा ओवरलैपिंग क्यों आएगा? एक ओवरलैपिंग हो गया ना, दूसरा कहां से ओवरलैपिंग हो जाएगा? एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना दोनों फ्लोरिन में, वो तो ओवरलैप कर चुके हैं ऑर्बिटल, अब कौन सा ऑर्बिटल बचा? और कोई है ही नहीं ना जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन हो। यस ऑब्वियसली प्रेफरेंस हेडोन को ही मिला है, क्योंकि हेडोन इज मोर, या हेडोन से जो बॉन्ड बन रहा है वो सिग्मा है, एंड सिग्मा इज मोर स्ट्रॉन्ग या मोर स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेंगे H2O का, तो H2O में देखो हाइड्रोजन जो है उसका क्या है, हाइड्रोजन का है 1s1 एंड ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन है अपने पास 2s2 एंड 2p4। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऐसा है, तो अब हमारे पास 2 pk ऑर्बिटल हैं। ठीक है, 2 pk ऑर्बिटल है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ऑब्वियसली अगर मैं बोल रहा हूं ये px है ये py, कुछ भी ले लो है ना, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन अगर मैं इसको pz लेता हूं तो इसको या तो px ले लो या py ले लो, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑर्बिटल हैं। इस टाइप, ठीक है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर ऑर्बिटल आ गए पी के। ओके, तो ये ऑक्सीजन का हो गया हमारे पास। अब इसमें ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन हम इधर ले ले, एक इलेक्ट्रॉन इधर ले ले, ठीक है, तो ये 2p ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमारे पास ओवरलैप कौन करने का आएगा, हाइड्रोजन। ओके, सो हाइड्रोजन ओवरलैप करने आया, तो ये हाइड्रोजन ने, एक हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल ने इधर ओवरलैप किया, एक हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल ने इधर ओवरलैप किया। ठीक है, सो ये हमारे पास बन गया बॉन्ड। ऑब्वियसली कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ओवरलैप जो है वो कैसा हुआ है, हेड ऑन ओवरलैप हुआ है।
ओके लिख लिया सबने। नाउ सिमिलरली NH3 का ले लेते हैं। तो NH3 में हाइड्रोजन जो है उसका क्या है, हाइड्रोजन का 1s1 है एंड नाइट्रोजन का क्या है, इट इज 2s2 एंड 2p3। ठीक है, तो अब देखो नाइट्रोजन के पास कितने ऑर्बिटल हैं, नाइट्रोजन के पास 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक जिनमें क्या है एक एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो 3 ऑर्बिटल क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है कि नहीं, PX, PY, PZ हो गए तीनों, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। तो ये हमारे पास एक पी ऑर्बिटल हो गया, इसी टाइप से एक पी ऑर्बिटल ये हो गया, और इसी टाइप से इनके भी परपेंडिकुलर एक पी ऑर्बिटल मान लो ये हो गया। तो तीनों में क्या एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मान लो एक हमने इधर ले लिया, एक मान लो इधर ले लिया, एक मान लो इधर ले लिया, ठीक है, ये 3 पी ऑर्बिटल ले लिए, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब ओवरलैप करने कौन आएगा, 3 हाइड्रोजन आएंगे, और तीनों हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, तीनों हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन के पी ऑर्बिटल हो गए तीनों, और अभी 3 हाइड्रोजन आएंगे, ये एक हाइड्रोजन आ गया उसका एस ऑर्बिटल आ गया। नाउ ये दूसरा हाइड्रोजन जिसका एस ऑर्बिटल आया, और ये तीसरा हाइड्रोजन जिसका एस ऑर्बिटल आया। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 बॉन्ड बन गए एनएच वाले, और तीनों तीनों जो बॉन्ड है वो किस टाइप के ओवरलैपिंग से बने बताओ, sp ओवरलैपिंग से, है ना, एक s का ऑर्बिटल और दूसरा p का ऑर्बिटल। तो ओवरलैपिंग कौन सी हुई है, s वाली ओवरलैपिंग हुई है, और s वाली ओवर मतलब sp ओवरलैपिंग हुई है, एंड sp ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, बिकॉज s और p की ओवरलैपिंग हेड ऑन ही होती है। ओके, तो 3 सिग्मा बॉन्ड बने यहां पर। ओके, तो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, तो अभी तक हमने सिग्मा बॉन्ड के एग्जांपल लिए, नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं पाई वाला, कि पाई कैसे बना। तो देखो O2 जो है ना, O2 इसमें पाई बॉन्ड भी आता है, O2 में क्या आता है, पाई बॉन्ड भी आता है। तो O2 में पाई बॉन्ड कैसे आया, तो हमारे पास ऑक्सीजन के कितने आइटम है यार, ऑक्सीजन के 2 एटम है, दोनों ऑक्सीजन एटम का क्या है, दोनों ऑक्सीजन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अपने पास है 2s2 एंड 2p4। ओके, सो दोनों ऑक्सीजन एटम जो हैं, उनके पास 2 पी ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो देखो दोनों ऑक्सीजन एटम में दो पी ऑर्बिटल हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन एटम ने ये बना दिया, ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। इसी टाइप से दूसरा हमारे पास है, उसमें भी ऐसा ही है, ठीक है, इस टाइप से। तो अब देखो क्या है, ये ऐसे ओवरलैप करेंगे, और ये तो ओवरलैप कर ही लिया हेड ऑन वाला,
तो यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग भी हो रही है और लेटरल ओवरलैपिंग भी हो रही है, समझ आया? यहाँ पर दोनों टाइप की ओवरलैपिंग हो रही है, हेड ऑन भी हो रही है और लेटरल भी हो रही है। फिर से एक बार बनाते देखो, तो हमारे पास क्या है, एक ये है, तो ये देखो हेड ऑन वाली हो गई, ठीक है, तो हेड ऑन वाली ओवरलैपिंग हो गई, इससे ये हो गया। इसके अलावा दूसरा जो ओवरलैपिंग है वो कौन सा है, लेटरल वाला है, ठीक है, ये ऑर्बिटल ने कौन सा ओवरलैपिंग कर दिया, लेटरल वाला कर दिया। क्लियर है? तो ये ऐसे ओवरलैपिंग हो गया, तो एक ऑक्सीजन एटम और दूसरा ऑक्सीजन एटम जो है उनके बीच में एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है और एक लेटरल ओवरलैपिंग हो रही है। ओके, तो हमारे पास दो बॉन्ड आ रहे हैं, एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से आ रहा है, एक लेटरल ओवरलैपिंग की वजह से आ रहा है, तो ओ डबल बॉन्ड ओ बना है। ओके, तो ओ डबल बॉन्ड ओ में ऑब्वियसली दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई। ओके, तो ये बॉन्ड बना अपने पास सिग्मा, ये कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना, ठीक है, तो इसकी वजह से आया अपने पास सिग्मा और इसकी वजह से आया पाई। ओके, तो यहां पर एक्चुअली क्या है, जो हमारे पास बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन है, तो इसके बीच में ये जो है ना, ये इधर ये इलेक्ट्रॉन जो है सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हो गए, और पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर या नीचे होंगे, ठीक है, ये जो है ये इलेक्ट्रॉन या तो ऑब्वियसली इधर वाला इधर साइड पेयरिंग होगी या फिर इधर साइड पेयरिंग होगी, है कि नहीं, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो या तो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। ठीक है, तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन या तो ऊपर की साइड होंगे या नीचे की साइड होंगे। तो प्लेन में जो एक्सेस वाला प्लेन, ये मैं बोलूंगा एक्सेस के अलोंग जो है, ये हमारे पास एक्सेस है जिसके अलोंग क्या बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, तो इस एक्सेस में आया सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके ऊपर या नीचे आए। ठीक है, अभी हमने क्या है, हमने ऊपर की साइड इलेक्ट्रॉन रखे थे, अगर हम इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड रखते तो फिर इलेक्ट्रॉन नीचे आते। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास रहेगा सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। ओके, सो बिटवीन टू एटम्स एक ही सिग्मा होगा, बाकी जितने भी बॉन्ड आते हैं ना वो पाई आते, ठीक है, जैसे यहां पर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा हो गया, इसके अलावा कितना बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड और बचा, तो वो क्या हो गया, पाई हो गया। क्लियर है सबको? तो ये O2 में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड आ रहा है। ओवरलैपिंग होगी, देख सो, तो हमने ओवरलैपिंग किया तो ओवरलैपिंग के लिए हमने ऐसा थोड़ा बैंड सा कर दिया है, बाकी वहां पर तो साइज ऑलरेडी छोटा छोटा ही होता है। थोड़ा थोड़ा ओवरलैपिंग होगा, जैसे हमने पहले ही बताया कि ओवरलैपिंग बहुत थोड़ा होता है, ठीक है, तो ज्यादा ओवरलैपिंग नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा सा ओवरलैपिंग होगा। यस दक्ष, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे, फिर होमवर्क नोट कर लो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से, मतलब स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है उसी से, जिसमें वीबीटी हमें दिया हुआ है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वाले पार्ट से क्वेश्चन नंबर 14 to 18 ये हमने डिस्कस नहीं किए थे, याद है, ठीक है, 1 to 13 किए थे, देन 19 से 21 किए, तो बीच वाला जो पार्ट है डिस्कस नहीं किया था, वो होमवर्क है। ओके, देखो सरिता, ओके राहुल, हैप्पी बर्थडे, ठीक है, तो चलो एंड करते हैं लेक्चर, रिकॉर्डिंग और नोट्स सेंड कर दूंगा, देख लेना।